सो है गाइस, आप लोग को पता होगा कि 2019 अब खत्म हो चुका है, तो 2020 स्टार्टिंग हो चुका है और सैमसंग, सोमी, रियलमी ऐसे ऐसे कंपनी हैं जो अपने खतरनाक और किलर फोन लॉन्च करने वाले हैं। तो उसमें से एक ऐसा फोन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M60। उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, सैमसंग गैलेक्सी X60 के बारे में, आपको उसमें क्या कुछ नया फीचर देखने को मिलेगा और कितने प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और क्या होगी इसकी इंडियन प्राइस। और इसके साथ आपको 108 मेगापिक्सल का एक पेंटा कैमरा का सेटअप और इसके साथ आपको 5000 एमएच की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी और प्रोसेसर आपको एकदम लेटेस्ट जनरेशन का देखने को मिलेगा, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको इस फोन में 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूं सैमसंग गैलेक्सी M60 के बारे में, आपको इसमें क्या कुछ नया फीचर देखने को मिलेगा और किस प्राइस पॉइंट में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो हे गाइस, मैं हूं चितिज और आप देख रहे हैं आल्बर्ट टोनी स्टार्क। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन को लेकर। तो आपको इसमें ग्लास बैक देखने को मिलेगा जो कि एक ग्लासी शाइनी लुक के साथ आएगा और इसके साथ आपको 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा का सेटअप और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो आपको इसमें 5000 एमएच की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी, उसके साथ आपको 25 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा इसके बॉक्स के अंदर। सो गाइस, बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर। तो डिस्प्ले 6.7 इंचेस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि एक फुल एचडी प्लस के रेगुलेशन के साथ आएगा और इसके साथ आपको इसमें पंचुअल कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब आपको इसमें पंचुअल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और ये एक पंचुअल डिस्प्ले होगा। और इसके साथ आपको इस बार सैमसंग गैलेक्सी M60 के सीरीज में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास को लेकर। तो कैमरा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, कैमरा के मामले में फ़ोन सबसे धमाकेदार होने वाला है। आपको उसमें पेंटा कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल, जिसमें सैमसंग का खुद का सेंसर यूज़ करा गया है और इसके साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 12 मेगापिक्सल का एक टेलीपोर्टेड लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और इसके साथ अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा के बारे में, तो आपको उसमें 40 मेगापिक्सल का एक पंचुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा टॉप अप लेफ्ट साइड में और बहुत ही गजब का पंचुअल कैमरा होगा और उसमें आपको 40 मेगापिक्सल का पंचुअल कैमरा देखने को मिलने वाला है जो बहुत ही कमाल की पिक्चर और फोटो निकाल के दे देता है। और इसके साथ मैं बात करूँ इस बार प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर एकदम लेटेस्ट जनरेशन का आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम के तरफ से, एक 5G प्रोसेसर आपको इस मोबाइल में देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 का एक चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है और अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है क्वालकॉम के तरफ से। और ये प्रोसेसर 2.6 GHz पर क्लॉक्ड रहेगा और इसके साथ आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट जो कि रन करेगा वन UI पे, सैमसंग का खुद का सॉफ्टवेयर है। सो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी M60 तीन वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च होगा, 4GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB, यही तीन वेरिएंट रहेगा जो इंडिया में लॉन्च होगा। सो फाइनली गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो इसकी प्राइस होने वाली है, जिस जो बेस वाला वेरिएंट है वो आपको 15,000 का देखने को मिलेगा इंडिया में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके हाई वेरिएंट के बारे में, जो सबसे बड़ा वाला वेरिएंट है 8GB प्लस 128 वाला, वो आपको 21,000 का देखने को मिलेगा इंडिया में। सो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके रिलीज डेट के बारे में, तो ये लॉन्च होगा 2020 के सेकेंड क्वार्टर तक आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में। तो आई होप आज की हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। सो गाइस, एक मेरे सब्सक्राइबर थे जो हमको बताए थे कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए सैमसंग गैलेक्सी M60 के ऊपर, तो वो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करके जरूर हमको बता दीजिएगा कि आप वीडियो देख चुके हैं। तो धन्यवाद आप बताने के लिए इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।